जिंदगी में एक दिन घाट सबको जाना है, सभी कोई एक दिन घाट जाएंगे, चार लोगों के सहायता से। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन आप जाने से पहले अपने पीछे अपने परिवार के लिए क्या क्या छोड़कर जाना चाहते हैं ये आप याद रखिएगा अपने बलबूते के ऊपर। इसी को जीवन बोलते हैं। किसी भी एग्जाम को लाखों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, सभी एग्जाम क्यों नहीं निकाल लेते हैं, या फिर किसी भी टीचर के हजारों छात्र जो है एग्जाम देते हैं, उनके सभी छात्र एग्जाम क्यों नहीं निकाल लेते हैं? बताओ भैया, एक बात बताइए, हमको यहां तक पहुंचना है। कहां तक भाई? भैया सक्सेस तक, कामयाबी तक पहुंचना है। हम कैसे पहुंच सकते हैं? शॉर्टकट तरीका क्या है? तो मैं बस एक ही बात बोलूंगा, इसका बस एक ही तरीका है और बहुत सिंपल तरीका है कि अपने अभी ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, पूरा गारंटी के साथ, अभी आपके लाइफ में खुशी नहीं है, अभी आप सुख के पीछे मत भागो, अभी तो आपको मेहनत करना है, आपके अंदर कितना काबिलियत है उसको दिखाना है, अपने मां पापा के आन सम्मान को बचाना है, क्योंकि आपके रिश्तेदार अगल बगल वाले जानबूझकर आपके मम्मी पापा से बार बार पूछते हैं क्या हुआ बाबू का, कुछ हुआ, जानबूझकर पूछते हैं, जबकि उनको पछता है, बार बार पूछते हैं मार्केट में सब जगह फोन कर बबुआ कुछ भाई, बार बार पूछते हैं, क्यों? इंसल्ट करते हैं, मजा लेते हैं, और उन वो क्या मजा लेंगे, आप मजा लेने देते हैं। लोग सोचते हैं ना कि वो उनका लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने लिमिट के अनुसार सोच रहे हैं, उनका लिमिट उतना ही है, उनका लिमिट, अगर कोई लोग सोचता है ना वो कुछ नहीं कर पाएगा, उनका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, उनकी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, वो क्यों बोलते हैं पता है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका लिमिट बहुत छोटा है, वो अपने लिमिट के अनुसार सोचते हैं कि मेरा लिमिट कम है तो उनका बेटा का भी लिमिट कम होगा। दिखाओ इस चीज को कि आपका बेटा भी कुछ कर सकता है, अपने मम्मी पापा को दिखाओ, मम्मी पापा जिसको बोलते हैं ना कि आपका बेटा राजा बेटा है, आप सच में प्रूफ करो कि सच में मम्मी आपका बेटा राजा बेटा है, और एग्जाम निकाल लिया, आप जाकर उनके मुंह पे थप्पड़ मारो, दिखाओ कि उनका बेटा बहुत कुछ कर सकता है। तो कम से कम एक बात याद रखिएगा, अभी तो सक्सेस के पीछे बस पागलपन आपको दिखाना है, और पागलपन का मतलब होता है रात से लड़ना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा भाई, और मेहनत पूरे जी जान से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने एक चीज लिखा है, स्ट्रगल से कभी डरना मत। ये जो समय आपका चल रहा है ना, ये सबसे हसीन पल है, इसी का सबसे जब कामयाबी मिल जाएगी ना, सबसे ज्यादा जिक्र अभी का आप करोगे कामयाबी मिलने के बाद। मैं लिख कर बोल दे रहा हूं, सक्सेस से कभी डरना मत, क्योंकि यह भी एक कहानी है, सक्सेस होने के बाद सबको बतानी है, और आप देखना जब कामयाबी हो जाओगे ना, सबसे ज्यादा जिक्र इस पल का करोगे आप किसी के साथ, और आप जीवन करोगे, और हजारों लाखों लोग ना आपसे मोटिवेट होकर तैयारी करेंगे। अगर आज आप लोगों के बारे में सोचकर अगर आप तैयारी बंद कर दिए ना, तो आप तो जलीन होंगे ही होंगे, आपके माता पिता भी दम घुट घुट कर जिएंगे भाई, एक बात याद रखना। और एक टीचर का कितना श्रेय होता है एग्जाम निकालने में एक छात्र के पीछे, तो मैं बस एक ही बात बोलता हूं, अगर कोई टीचर किसी को तैयारी करवा रहा है ना, अगर उसका सक्सेस 100% है छात्र का, तो उसमें 95% हाथ खुद छात्र का होता है, मात्र 5% जो हाथ है ना वो एक टीचर का होता है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, और ये मैंने अपने जीवन में काफी बार बहुत डीपली फील किया है। अभी एक आध दिन पहले कमेंट आया था वीडियो के ऊपर, मैं दिखा दे रहा हूं आप सभी को, एक कमेंट्स आया था आप सभी का, दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, यहां पर लिखा था, हेलो जीतू भैया, दिल्ली पुलिस का रिटर्न एग्जाम मैंने क्वालिफाई करने से क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी मैंने आपके चैनल से स्टडी कर की थी। एक बात याद रखिएगा, दो तीन कमेंट दिल्ली पुलिस को लेकर, एक बात याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर एक टीचर किसी छात्र को तैयारी कर रहा है और वो 100% सक्सेस हो गया, वो तो तैयारी बहुत लोग करवा रहे हैं, सब सक्सेस क्यों नहीं हो रहे, सब पास क्यों नहीं हो रहे? अगर एक छात्र जब तक खुद नहीं पढ़ेगा, टीचर तो घोल कर पिलाएगा नहीं ना, पहले छात्र को उठना पड़ेगा, अपने घर के कंडीशन को देखना पड़ेगा कि मेरे एग्जाम निकलने के बाद घर का कितना कंडीशन सुधर सकता है, मां पापा के आन सम्मान को बचाना, एक एक पल को सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर एग्जाम निकालने में 95% क्रेडिट स्टूडेंट का है तो 5% 2017 में एक ग्रुप था ग्रेडअप का, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे मेरा पूरा मानना है 100% ना,
एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है एग्जाम निकालने में। पहले आपको पता है, पहले मैं चैनल पर बैंकिंग की तैयारी करवाता था। उसी साल 17 में ना SBI PO मेंस का रिजल्ट आया था, SBI PO मेंस का। और उस समय ना ग्रेडअप के चैनल के ऊपर बहुत सारे पोस्ट थे कि सक्सेस की 98 चैनल का स्ट्रेटेजी वीडियो मैथ सीखकर मैंने SBI PO मेंस का रिजल्ट निकाला था 17 वाले में। उस समय मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उस समय मैंने समझा कि भाई मैं दिल से बस पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अब मुझे पता नहीं था किसका रिजल्ट निकलेगा किसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन मैंने बाद मेरा दोस्त फोन किया, भाई तेरे नाम से ना ग्रेडअप के ऊपर बहुत सारा पोस्ट घूम रहा है कि सक्सेस की 98 चैनल से पढ़ के एग्जाम। मैंने बोला क्या बात कर रहा है। मैंने ग्रेडअप इंस्टॉल किया, देखा, अरे बहुत दिल से खुशी हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पता भी नहीं है कौन स्टूडेंट रिजल्ट निकाल रहा है कौन रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। लेकिन एक बात मैंने समझा, टीचर बस दिल से पढ़ा सकता है, लेकिन उस पढ़ाए हुए चीज को कौन कितना डीपली ले सकता है, किसको कितना जरूरत है, ये तो स्टूडेंट को फैसला कर रहा है ना। जिंदगी में एक दिन घाट सबको जाना है, सभी कोई एक दिन घाट जाएंगे, चार लोगों के सहायता से। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन आप जाने से पहले अपने पीछे अपने परिवार के लिए क्या क्या छोड़कर जाना चाहते हैं ये आप याद रखिएगा। अपने बलबूते के ऊपर, इसी को जीवन बोलते हैं। जीवन क्या है? अपने बाल बच्चा परिवार के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। और अभी मौका है अपने जीवन को बनाने का। ये बहुत अनमोल मौका आपको मिला है, यह फिर 2-3 साल के बाद नहीं मिलेगा। उम्र निकलने के बाद फिर वही धक्का धुक्की खाना पड़ेगा। फिर आप जितना आज के डेट में मेहनत करते हैं ना, 6-7 घंटा पढ़ने के ऊपर, यही आप बाद में जब आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं गारंटी बोल रहा हूं, अगर नहीं मिलने के बाद ना जितना एफर्ट आपको लगाना चाहिए मेहनत, वो आप अभी कर नहीं रहे। और जब आपको मेहनत, जब आपको कामयाबी नहीं मिलेगा, तो यही 2-3 साल के बाद ना आप डेली 12-14 घंटा मेहनत करेंगे लाइफ बनाने के लिए अपना, लेकिन फिर भी लाइफ उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा। और आप अपने परिवार का जो अरमान है, सपना है, वो चाहकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकारी नौकरी का ताकत समझो, अभी मौका मिला है। उस समय ना अपने आप को बहुत कमजोर, बहुत अकेला फील करोगे, जब बीबी ताने देंगे, बाल बच्चे के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, अपनी आंखों से देखोगे और आप सोचोगे अब हम क्या करें, 12-12, 14-14 घंटा खट रहे हैं, अब क्या करें। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज के डेट में सब कुछ भूल जाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग, गर्लफ्रेंड, ये सब टेम्पररी है। ये 1 साल 2 साल 3 साल आपको खुशी दे सकता है, परमानेंट नहीं। ये परमानेंट, जितने लोग भी लाइफ में सक्सेस हुए हैं ना, जान जाकर उससे पूछ लो, या जितने लोग अपने लाइफ को बर्बाद किए इन सब के चक्कर में, जाकर उनसे पूछ लो, ये टेम्पररी खुशी है, कुछ दिन का खुशी है, ये परमानेंट खुशी नहीं देगा। लेकिन आज के डेट में 12-12, 13-13 घंटा दिल से पढ़ लेंगे ना, और एक बार रिजल्ट निकल जाएगा, तो ये आपको पूरा परमानेंट खुशी देगा और आजीवन देगा। और सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को, मम्मी को, पापा को, उनके दवाई, किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा। ये मैं, आप मेरी बात याद रखना। और अभी तो मैं एक बात बोल दे रहा हूं, अभी 3 एग्जाम है मोटा मोटी जिस पर आप टारगेट कर सकते हो, GD MTS, जिसके पीछे करोड़ों छात्र हैं, या फिर आपका ग्रुप डी। भाई इस तीनों का सिलेबस बहुत आसान है, दिल से पढ़ लोगे, एग्जाम आप निकाल लोगे। एक बार अपना इरादा पक्का तो करिए, एक बार स्ट्रेटजी बनाइए, तो एक बार पूरा ग्राफ रेडी तो करिए, मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आप तैयारी करो। आप बोलोगे ना दोबारा से स्ट्रेटजी वीडियो में बनाकर दे दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरा 30 नंबर से ज्यादा नहीं उठ पाता है, बोलोगे मैं वीडियो दूंगा, लेकिन मैं ये क्यों चिल्ला रहा हूं आपके लिए, ताकि आप जागो, आपका जीवन बर्बाद ना हो, दिल से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आने वाला जीवन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मैं परमानेंट नहीं हूं, मैं आज बोल रहा हूं तो 50 साल के बाद भी बोलूंगा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं लाइफ में सभी कोई मेहनत करता है, ऐसा कोई नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहा है। आज के डेट में मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं। जब एग्जाम निकला था उस समय आपको पता है, अगर आपको लग रहा है ना भैया अगर आज मेहनत कर ले रहे ना तो कल हमारा जॉब लग जाएगा फिर मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले मेरा भी मेंटलिटी यही था कि भाई एक बार एग्जाम निकल गया ना, ये कॉपी किताब बंद कर रख देंगे, जिंदगी फिर नहीं छुएंगे, भाई बहुत पढ़ ली है। भाई एग्जाम निकलने के बाद जितने लोग मुझे जानते हैं वो पता होगा,
16-17 से बैंक पीओ का एग्जाम निकाले, बैंक क्लर्क का एग्जाम निकाले, एग्जाम निकालने के बाद फिर कभी नहीं सोचा था ना यही किताब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दिल से बोल रहा हूं, पहले मैं अगर दिन में 9-10 घंटा मैं पढ़ाई करता ना, आज के डेट में 12-14 घंटा किताब से टच में रहता हूं। तो मेहनत जो है वो आजीवन रहेगा, आजीवन रहेगा, आजीवन, जिंदगी भर मेहनत करना है। और लाइफ में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलेगा। अगर आपको लगता है पैसा आ जाएगा तो मेरे लाइफ में बस सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, तो ये भी गलत धारणा है। लाइफ में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, तो आपको सोचना है, आपको करना क्या है। एक बार जगो दिल से अपने माँ पापा के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आप कुछ कर पाओ इसी 2021 साल में। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, इस बार कर लेना भाई आप सभी।